आम बर्तमान अयोध्यार अच्छु राम सेवक पुरम रे जोठी राम कथा कुंज जो करिडोर बनिबो राम मंदिर भव्य राम मंदिर बाहर से करिडोर पई मूर्ति प्रस्तुति चलसी। कैमरा पर्सन आदित्य कहबी आपनकु देखेबे ये होची सेई मूर्ति जो मूर्ति राम कथा को लोकंक पाख को नैकी पहुंचेबो। राम कथार जो उद्देश्य रहिची रामंकर जो पूरा जीवन शैली थिला से समस्त कथा को ए प्रतिमूर्ति माध्यम रे दर्शा दैची। राम कथा कुंज करिडोर रे आपन जे देखिबे जो दशरथंकर राजा दशरथंकर पुत्रिष्टि यज्ञ थिला एवं प्रभु रामचंद्रंकर जो राज्याभिषेक थिला से समस्त कथा को माने पुत्रिष्टि यज्ञ रु राज्याभिषेक पर्यंत रामक जीवन रे जो प्रतिटि घटना होइछि से प्रतिटि घटना को एठी प्रदर्शित कराइछि। वर्तमान मूर्ति कार्य जारी रहिछि। हनुमान जी कर लंका प्रवेश पर्यंत मूर्ति वर्तमान कंप्लीट हो सारी आपन देखि परथबे आउरी अनेक मूर्ति रो कार्य चालछि। ये समस्त मूर्ति को सीमेंट रॉड एवं जो रहिछि स्टील तार रे ये मूर्ति को बसाउछि। स्वतंत्र केमिकल मध्ये या पई व्यवहार कराउछि। रंजित मंडल जे कि विश्व हिंदू परिषद जने कार्यकर्ता रहिछन्ति से ये कार्य वर्तमान करुछन्ति। आपन देखि परथबे से जो कपड़ा माध्यम रे ये पूरा सुंदर भाव रे जो प्रतिमूर्ति रो हाथ गुड़ी रहिछि ताकु से बांधि रखुछन्ति जा फल रे पूरा टाइट नहीं कि फिट हेबो एवं जेमति कि परे भविष्यत रे या झड़ी पड़िबो नै। रंजीत जी बहुत बहुत बधाई है आपको, आपको ये काम मिला है, क्या बताएंगे अभी कितना तक काम कर चुके हैं और कितने दिन से काम स्टार्ट किए हैं और कितने दिन तक चलेगा? ठीक है, सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य तो ये बताएंगे मैं पिछले जन्म का कोई अच्छा काम था जो इस जन्म में मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। माननीय अशोक सिंगल जी हमको लाए थे, ये मेरा सबसे बड़ा भाग था। चंपत राज जी हमको देख रहे हैं, उन्होंने हमेशा देखते हैं, सहयोग करते हैं, बहुत है वो माता पिता के आशीर्वाद था। और मेरा पिताजी भी मेरे इसमें काम करते थे 2015 से, इस दो महीने पहले उनको गुजर गए। अभी एक लड़का हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं और मैं यही कहूंगा कि मेरा कोई जन्म का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसके कारण जो राम जन्मभूमि में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये रहेगा, प्रयास करेंगे सर। सर ये जो राम कथा कॉरिडोर जो बना रहे हैं आप, उसमें जो ये मूर्ति स्थापित होगा, क्या क्या मूर्ति इसमें रहेगा और क्या वार्ता देगा, मतलब लोगों को क्या मैसेज जाएगा? देखिए ये जो है सबसे बड़ी बात ये है कि पुत्राष्टि यज्ञ से राज्याभिषेक तक जाएगा ये। और दूसरा नंबर रामायण का मान के चले हर प्रसंग में इसमें एक एक चौपाई लिखा जाएगा जिसमें पता चलेगा कि रामायण का प्रसंग में लोगों का ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों का हम लोग के नीचे एक एक चौपाई लिखा जाएगा क्योंकि हम लोगों का कोई गांव में कोई शहरों में भी ऐसे ही होता है कि जो है ऐतिहासिकता कम हो गया है, तो इससे देख के लोगों का जागृत होगा कि रामायण भी ऐसा था और उसके अनुसार हम लोगों को चलना चाहिए, उनका मार्ग से हम लोग चलना चाहिए। में क्या क्या यूज कर रहे हैं और केमिकल क्या दे रहे हैं, क्योंकि जैसे कि सीमेंट में काम कर रहे हैं झड़ने का चांसेस होता है? नहीं, इसमें ये है कि हम लोग पहले जो हम लोग ढलाई करते हैं उसके पहले सरिया में हम लोग केमिकल डाल देते हैं जिससे झरने का या फूलने का कोई डर नहीं रहता। और स्टील जाली स्टील तार इसका यूज किया जाता है और SSC गोल्ड जो जिसमें वाटर फिल्टर रहता है जिसके कारण जो है इसका उम्र ज्यादा बढ़ने का प्रयास होता है। अभी कितने दिनों से आप मूर्ति बना रहे हैं और कितने दिन तक टारगेट दिया गया है कि अब खत्म करना है? देखिए ये टारगेट के लिए हम कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि हमको 3-4 साल वो लग जाएगा। और 2013 में माननीय अशोक सिंगल जी ने आदेश दिए थे और चंपत राज जी के द्वारा ये देखरेख चल रहा है। अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ, 3-4 साल में हमारा आशा है कंप्लीट हो जाएगा। पूरा 3-4 साल जी या 3-4 महीना? ना ना, क्योंकि ये मंदिर मंदिर बनने के बाद ये कॉरिडोर में ये बैठा जाएगा। अच्छा। जैसा आदेश होगा राम जन्मभूमि ट्रस्ट या माननीय चंपत राज जी द्वारा जैसे आदेश होगा उसी अनुसार ही हम लोग कार्य करेंगे। कब शुरू किए थे ये मंदिर? 2013 में 2000 जी 2013 में ये शुरुआत हुआ था पुत्राष्टि यज्ञ। जब हमको फोटो भी नहीं मिला था तो माननीय अशोक जी ने हमको वहाँ मखुरा में भेजे थे, जो मूर्ति का लिख के ले आया था तो उसे बनाया गया था। अच्छा। इसमें मोल्ड का यूज नहीं किया गया था, डायरेक्ट है सब। ये जो मूर्ति आप बनाए थे पहले मूर्ति 2013 में बनाए थे, वो जो 3-4 मूर्ति कम्प्लीट भी हो चुका है, कलरफुल हो चुका है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो राय आया उसके बाद क्या क्या मूर्ति? उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट का बनाते बनाते तो हम लोगों का तो 2013 से शुरुआत हुआ तो 2 लाइन मूर्ति हमारा कम से कम केवट तक चलाया गया था। ठीक, हमको पता तो काम रुक गया था क्या कोविड में? ना, रुक रहे थे। 2 बार जेल में गया था मैं, मुलायम सिंह सरकार में 2 बार जेल में भी जा चुका हूँ। हाँ, मूर्ति निर्माण का समय तो ये तो आंदोलन का समय था,
तो जो भी हो हमारा तो ऐसा भगवान प्रभु जी से ले जाएंगे उसी का। मैं कोई संतुष्टि आ रहा है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये मेरा फाइनली मंदिर बन जाएगा, मंदिर के बाद ये सब लग जाएगा। देखिये ये तो मैं इतना ही कहूंगा कि पिछले जन्म का मेरा बहुत अच्छा काम था, शायद कोई जन्म का पूर्ण फल में जो ये राम मंदिर में आया। और बाकी बहुत लाखों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, उन लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तो यही मैं समझूंगा कि मेरे लिए आशीर्वाद है। और आशा करेंगे कि लक्ष्य तक पहुंचे, चंपत जी का आदेश हम का पालन करेंगे। एक साथ सारे मूर्ति जाएंगे या फैज वाई जी मूर्ति जाके, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए कि हाँ जो आदेश होगा उसके आगे वो तय करेंगे। निश्चित भाव रंजित मंडल जे रही मूर्ति कारीगर सी आमको सूचना दूसरे कैमरा पर्सन आदित्य कह भी आपको देखेबे मूर्ति गुड़िक आप देखी पार्थे ये से ही मूर्ति जो भव्य दिव्य मूर्ति गुड़िक से 2013 रु प्रस्तुत कर मूर्ति बनवाई से निजे जेल जाइंट राम लक्ष्मण वनवास जात्रा हो कि भरत से जो पादुका नहीं कि आसते पादुका को आ पूजा करते से कथा हो जो जंगल दृश्य कथा हो रावण सीता माँ को अपहरण करवा दृश्य हो किंबा रामचंद्र जो बाल्य शिक्षा थिला जो गुरुकुल आश्रम से शिक्षा नौले से कथा हो सबु कथा को एठी उपस्थापन कराई चेष्टा कराई सबु कथा को नहीं कि प्रदर्शित करने पूरा रामंकर जीवन शैली किभली थिला रामंकर किभली कार्यधारा थिला एवं तांको माता पिता किभली भावे स्नेह थिला मान तांकर बाल्य जन्म रु बाल्यकाल बाल्यकाल पुणी किशोर अवस्था युवावस्था एवं तापरे से जो बनवास जाइथिले बनवास पर पुणी लंकापति रावण रो सहित युद्ध कथा कहतु पुणी से प्रत्यावर्तन करी राज्याभिषेक कथा कहतु सबु दृश्य को एक गोटे कहानी माध्यम प्रदर्शित कराऊची एवं ये जो राम कथा कुंज करिडर रहिबो श्रीराम भव्य मंदिर ठीक बाहर ये सबु कथा को चित्रित करमी से कहते हुए तो आहरी दि तीन वर्ष समय लगे ये सबू कथा को प्रदर्शित करने भव्य राम मंदिर प्रतिष्ठा हेला ये जो बाहर प्लेस रही बाहर जो स्थान रही ये करिडर प्रस्तुत कर जो लोक मैंने अयोध्या आसने भिड़ लगे बुली आसुच्ची ये जो पूरा अंचल ये राम सेवक पुरम ना अयोध्या ख्याति लाभ करसन आदित्य सहित गगन अर्गस न्यूज़।